स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक। नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉप स्टॉक के एक और एपिसोड को लेके मैं आप सभी के सामने मौजूद हूं। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, टॉपर हैं जो कि झारखंड को बिलोंग करती हैं। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नीलम, आपकी सक्सेस स्टोरी की स्पेशल बात है कि आप झारखंड को बिलोंग करते हो और वहां से एक बहुत ही छोटी प्लेस से बिलोंग करते हो। तो नीलम, छोटी प्लेस से बिलोंग करने पे क्या कोई चैलेंजेस रहते हैं? यस, बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। लाइक यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, यहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल नहीं होते रिसोर्सेज, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज है। इन्वायरमेंट नहीं है, एक कॉम्पिटिशन वाला इन्वायरमेंट जो आप फेस करते हो सिटीज में, वो यहाँ आपको इजीली दिखेगा नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो आपको सबसे सब खुद से ही करना होता है, सेल्फ मोटिवेट होना होता है, खुद से वर्क करना होता है। फिर हाँ, थैंक गॉड ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, जो पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, या कॉम्पिटिशन कितना हार्ड हो गया है, या जिस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं उसे। नीलम, इस छोटे शहर में, इस छोटी जगह पे रहते हुए ये बड़ा सपना कब देखा था? मतलब किस पॉइंट पे लगा कि मेरे को इन एग्जामिनेशन बैंक के एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है? एक्चुअली सर, मैंने एग्जाम्स देना 2021 में स्टार्ट किया बैंकिंग का, क्योंकि ये सबसे ट्रांसपेरेंट एग्जाम लगा मुझे। जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसमें सबसे पहले दिखा कि कौन सा एग्जाम सबसे ट्रांसपेरेंट होता है। तो आई फील दैट बैंकिंग सबसे ट्रांसपेरेंट है, और बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसेस है इसका। कहीं भी आपको कोई मैशअप नहीं दिखेगा, कोई पेपर लीक नहीं मिलेगा। तो उस समय ही लगा कि यही एक फील्ड है जो मुझे जेन्युइन तरीके से जॉब दे सकता है। मैंने 2021 में भी IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, लेकिन दैट टाइम आई मिस्ड बाय 0.47 मार्क्स, एंड नाउ आई गॉट फाइनली सेलेक्टेड। ओके, नीलम, फाइनली सिलेक्टेड, बहुत खुशी है। पर जैसे आपने कहा कि इस छोटे शहर में रहते हुए चैलेंजेस भी आते हैं, फिर आपने एक चीज़ देखी कि जो बैंक के एग्ज़ाम है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें क्या आपने एक टाइम फैक्टर को भी देखा था? ये वो एग्जामिनेशन है जिसमें आप बहुत जल्दी आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो, एक लिमिटेड टाइम अपने को दे सकते हो, फिर क्वालिफाई करके मतलब उतने कम समय में आप निकल सकते हो। क्या ये चीज़ भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थी? ऑफकोर्स सर, ये चीज तो सबसे पहले थी ना, जब पेपर लीक नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट वे में दे रहे हो। बैंकिंग का एग्जाम आप आई थिंक 6 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में ओनली 6 मंथ का टाइम लगता है, 6 मंथ के बाद आपके पास रिजल्ट क्लियर है। तो ये टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ गर्ल, जब हमें कम टाइम मिलता है सक्सेसफुल होने के लिए। ये चलिए, ये बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है कि मतलब बींग एक छोटी प्लेस से आ रहे हो आप, सबसे पहला चैलेंज तो वही है, बींग अ वुमेन आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो वो भी है। तो नीलम, चैलेंजेस आपके लिए काफ़ी सारे थे, एक तो प्लेस का हो गया, दूसरा बाकी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नीलम आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गए, तो इसका ये मतलब है कि जो तैयारी करने का आपका तरीका था कहीं ना कहीं वो सही था। तो नीलम, ये तैयारी शुरू कैसे हुई थी? मतलब आपने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी, कैसे अप्रोच कैसे किया था इन एग्जामिनेशंस के लिए? सर, स्टार्टिंग में तो बैंकिंग में जब मैंने एंटर किया, तो ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं था अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड ऑल। लेकिन पहले मैंने फर्स्ट टाइम दिया था RRBPO, उसमें पैटर्न पता चल गया कि बैंक एग्जाम्स कुछ इस तरह से होते हैं। देन IBPS PO दिया मैंने, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके दिया। उसके लिए मैं डेली एक रूटीन फॉलो करती थी। लाइक पहले आप अर्ली मॉर्निंग एक मॉक दे दिया करती थी मैं, जैसे ही आफ्टर वेकिंग अप एक मॉक देना फिक्स था शेड्यूल में। आफ्टर दैट जो भी डाउट्स है या जो भी टॉपिक में मुझे लग रही है कि वीकनेस है, उन टॉपिक्स को थ्रू आउट द डे मैं कवर करती थी। एंड करंट अफेयर इज डेली कंपल्सरी थिंग, उसे डे टू डे कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे। वो होता था PT का शेड्यूल, आफ्टर दैट मेंस की बारी आई। मैंने साथ में प्रिपेयर नहीं किया था, इट वॉज माई ह्यूज मिस्टेक। मैंने PT के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उस समय मैंने बताया 2021 में, इसलिए शायद मैं मिस भी कर गई।
सिलेक्शन थे, तो मेंस के लिए भी वही करती थी मैं, जितने भी बेसिक्स थे पहले सब्जेक्ट वाइज उनके तो पढ़ चुकी थी पीटी में। मेंस के लिए एडवांस होते हैं, टॉपिक्स भी सारे एडवांस है और ज्यादा भी कुछ प्रिपेयर करना होता है। वो मेंस के लिए मैंने किया कि रीजनिंग के फैकल्टी थे अदर सर, अंकुश लंबा सर, उनके मैंने वीडियोस से स्टडी कंप्लीट की। एंड क्वांट भी दूसरे फैकल्टी थे, लेकिन जीए के लिए गौरव गर्ग सर वॉज द फिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज। उनके वीडियोस देखकर लगता था कि कंप्लीट हो गया है डे। नीलम, गौरव सर पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दो, जो आपने मेरे को अप्रोच बताई कि मेरा दिन ऐसे डिवाइडेड था, एक मॉक डेली देना है, फिर करंट अफेयर्स में कभी मिस नहीं करना है, ये बहुत ही मैच्योर अप्रोच लगती है। मतलब ये शुरुआत से ही आपको पता था या फिर मतलब ये स्ट्रेटेजी आपकी इवॉल्व हुई थी डे बाई डे? सर ये डे बाय डे इम्प्रूव हुई। एक्चुअली आरआरबी पीओ के बाद मुझे फील हुआ कि बैंकिंग एग्जाम के लिए आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बहुत जरूरी है। आप स्पीड में लैग करोगे तो एक्यूरेट होके भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो स्पीड तो डेली प्रैक्टिस से ही आएगी। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि डेली मॉक इज मस्ट, आप डेली दोगे तो ही आप स्पीड बिल्डअप कर पाओगे। और बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने एक चीज फील किया, आप 1 वीक या 1 डे भी मिस करोगे तो आप 1 ईयर पीछे चले जाओगे, ऐसा फील होगा आपको, क्योंकि आप कंपटीशन में फिर आ ही नहीं रहे हो। स्टूडेंट डे टू डे मेहनत कर रहे हैं, 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं इसके लिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही होगा ना अगर उसमें सेलेक्ट होना है। चलो बढ़िया नीलम, आपसे बात करके इतना मेरे को समझ में आ गया कि जैसे वो कुछ 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 लोग होते हैं उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, बट आपका जो फंडामेंटल है ना, जिस तरीके से आपका माइंडसेट है, 1 घंटा मेरा मिस हुआ तो मैं 1 साल प्रिपरेशन में पीछे हूँ, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बढ़िया ये सोच है आप। गौरव मुझे हमेशा उनके टेलीग्राम चैनल पे मैं एडेड हूँ, तो उनका एक था कि या तो आप फील कर लो आप कर सकते हो, या फिर आप इसे छोड़ दो, करने का कोई मतलब नहीं है, आप टाइम पास नहीं कर सकते, आपकी लाइफ का ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है जॉब लेना, तो इसमें आप टाइम पास नहीं कर सकते हो। देन या तो आप लेने के लिए फुल्ली प्रिपेयर होके उसके लिए वर्कआउट करो, नहीं तो फिर आप छोड़ दो, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। नीलम, कभी ऐसा फेज आया था जब लगा कि छोड़ दी जाए प्रिपरेशन? यस सर, लास्ट ईयर इवन इन 2022 पीओ एग्जाम्स में मैंने गौरव गर्ग सर को पर्सनली टेक्स्ट भी किया था कि सर बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, एग्जाम में पीटी क्वालिफाई हो रहा है, मेंस क्वालिफाई हो रहा है, बट फाइनल सेलेक्शन हो नहीं रहे, बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, लग रहा है कि अब छोड़ दो प्रिपरेशन। देन सर के रिप्लाई कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स थे कि अपने डेज को कुछ इस तरह से डिवाइड करो, आप 150 आवर वीकली अपना डिसाइड करो कि मुझे इतने देर पढ़ने हैं वीक में, ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, पढ़ाई को एंजॉय करो, देन आपका सिलेक्शन क्लियर है। तो सर के वर्ड्स भी बहुत मोटिवेट किए थे उस टाइम। ये फेज भी आया था कि जब मन कर रहा था नहीं अब शायद नहीं हो पा रहा है। वहां पे जो गौरव सर के बातें थी वो उन्होंने आपको हेल्प किया। ठीक है, गौरव सर के बारे में ही बात कर लेते हैं। आप डिटेल में, आप काफी देर से उनका नाम ले रहे थे। तो नीलम, किस तरीके से गौरव सर का जो कंटेंट है वो एग्जामिनेशन प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? यस सर, उनके कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं मेनली। मुझे याद है मैंने गौरव गर्ग सर को 2021 में ही फॉलो करना स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली बाय रिकमेंडेशन। सर हमेशा बोलते हैं कि वर्ड्स वर्ड्स के थ्रू ही वो रिकमेंड होते हैं, वो पॉपुलर होते हैं, उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं रही है, स्टूडेंट्स ही उनके सबसे बड़े एम्बेसडर है। तो वैसे ही मुझे भी उनके बारे में पता चला एंड मैंने उनका कोर्स बाय किया। आफ्टर दैट आई रियलाइज उनके डेली करंट अफेयर को ही कंज्यूम करने में 20 24 मिनट्स की वीडियो को कंज्यूम करने में आपको 1 आवर लग जाएंगे, आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे। सर इतनी वास्ट नॉलेज देते हैं, इतनी एग्जाम ओरिएंटेड है। और उनका एक सबसे अच्छा मुझे जो अप्रोच लगा था वो इंटरलिंक करते हैं टॉपिक को, किसी भी टॉपिक के बारे में वो बताते हैं, वो उससे रिलेट, वो जब बताते थे ना स्टार्टिंग में मुझे लगता था अरे सर ये कैसे कर ले रहे हैं, सर को इतना कैसे याद रहता है कि ये यहाँ से लिंक हो रहा है, वो वहां से लिंक हो रहा है। देन सुनते सुनते सर को हमें भी आदत हो गई कि ये इस तरह से कुछ लिंक होता है, वहां पे सर के अप्रोचेस थे। फिर 2022
2021 में उनके डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली भी करने लगी थी मैं। फिर एक ग्रुप बनाया हम फ्रेंड्स ने, उस ग्रुप में क्विजेस होते थे सर के ही करंट अफेयर के, सर के ही करंट अफेयर के क्विजेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे। और उस क्विजेस में मतलब करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन आते थे और हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करते थे। और उसके बाद डेली कर रही हूँ, वीकली कर रही हूँ, एंड देन मंथली भी कर रही हूँ। बस 300 वॉज द बेस्ट थिंग। आप एग्जाम के टाइम में कुछ भी मत करो, बस 300 को रिवाइज करो, आपका करंट अफेयर कंप्लीट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये गाइडली का अच्छा है या फिर किसी अदर सोर्सेज को ज्वाइन कर लो, सर के उतने नहीं आते। मैंने कहा नहीं, मुझे भरोसा है सर पे, ज्यादा कंज्यूम करना इज नॉट अ थिंग। एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने तो कॉन्स्टेंटली सर को ही फॉलो किया है, उनके ही कंटेंट देखे हैं और उनके थ्रू ही एग्जाम क्लियर भी किया है। आई नेवर बहुत सीन अदर फैकल्टी रदर देन गौरव सर फॉर करंट अफेयर। गौरव सर का कंटेंट खुद में ही सफिशिएंट है, और जैसा आपने बोला कि वो डायमेंशंस खोल खोल के चीज़ों की बताते हैं, आपको इंटरलिंकेजेस भी बता देते हैं, डायमेंशंस भी खोल देते हैं उस क्वेश्चन में, और सर खुद भी रिसर्च डालते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या एग्जामिनेशन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो पहले ही फिल्टर करके दे देते हैं। हाँ, तो नीलम, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली थी कि क्वांटिटी पे मत जाओ, कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तो आप लिमिट कैसे करते थे खुद को? सर मैं तो सर के वीडियोस के थ्रू ही फिल्टर आउट करती थी। मुझे फील होता था कि इसमें इतना कुछ दिया है पर ये कोई काम का नहीं है, और सर इतना ही बता रहे हैं, ये इतना इफेक्टिव है कि एग्जाम में आप इससे ही लिंक कर सकते हो कौन सा टॉपिक कहाँ जा रहा है। जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए थ्रू आउट 2021 2022, तो उसमें मैंने फील किया सर के करंट अफेयर से आप मोर देन 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, और अबव 20 मार्क्स इज अ गुड स्कोर इन करंट अफेयर सेक्शन। फिर मुझे लगा कि ये क्वांटिटी पे जाने का कोई रीजन ही नहीं है, बस आपको लगेगा आप अपना डे लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आउटपुट कुछ आएगा नहीं। अच्छा नीलम, यस यस नीलम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, अगर उससे ज्यादा बेटर होता है कि सर के करंट अफेयर बार बार रिवाइज करो। मैं बेस्ट 300 को आई डोंट नो कितने बार सुन लेती थी। जब भी कोई काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सर के 300 चल ही रहे चल ही रहे, उसे सुनना तो एकदम हैबिट हो गई। और वो रिविजन आई थिंक एग्जाम टाइम में वर्क करता है। सर के वर्ड्स ना माइंड में ऐसे स्ट्राइक करते हैं लाइक सर खुद बोल रहे हो, उसके आंसर था आपके ईयर में, तो कुछ ऐसा ही है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है और फिर वो जो क्वेश्चन आप गौरव सर की आवाज में दिमाग में चल रहा है, इसका आंसर ये है, राइट? राइट राइट विदाउट कंफ्यूजन वो क्लिक होता है कि ये सर ने आंसर इसका ये बोला है, यही है। ठीक है नीलम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रिपरेशन के दौरान कौन सी कुछ मिस्टेक्स थी जो आप बताना चाहोगे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, वो एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक्स ना करें? सर सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक तो मुझे जो लग रही है मेरे साथ हुआ, मेंस के लिए साथ में प्रिपेयर नहीं किया था। आफ्टर प्रीलिम्स मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये ह्यूज मिस्टेक है। आपको मेंस के टॉपिक्स को भी उतने ही इफेक्टिवली डील करना है जितना आप प्रीलिम्स को कर रहे हो, अदरवाइज आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा बट मेंस में आप फंस जाओगे। उसके बाद सर का मैंने एसे राइटिंग वाला टॉपिक भी परचेज किया था, सर ने शायद 1 रुपी में वो अवेलेबल कराया था। एसे एंड लेटर राइटिंग आते हैं पीओ के मेंस में, उसमें भी सर का जो अप्रोच था वो भी इफेक्टिव है। आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है साथ में, मेंस की प्रैक्टिस साथ में कर लोगे आप तो आपका एग्जाम हाफ से ज्यादा क्लियर है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू, वो तो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। दैट्स द मेन थिंग सर। और डेली प्रैक्टिस, बैंक इज अबाउट ऑल प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी श्योर हो जाएगी आपकी सक्सेस। नीलम, फाइनली अगर एक बीइंग अ वुमेन, आपने जो चैलेंजेस फेस किए, आप जैसे छोटी जगह से आते थे वो भी, तो अगर अंत में मैं आपसे कहूं कि आपको एक मैसेज देना है जो बाकी
फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बैंक एग्जाम्स को अप्रोच करती हैं, जो बाकी छोटी जगहों से जो लोग तैयारी करते हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, मेरी तरफ से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इन द टाइम ऑफ द इंटरनेट, जब आप सब कुछ ऑनलाइन कंज्यूम कर सकते हो, जगह तो ज्यादा मैटर नहीं करेगी। अब आप सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बस अवेयर रहो। आप कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं किया जा सकता, उसे आप इफेक्टिवली अपना समय दो, टाइम पास मत करो अपने करियर के साथ। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नीलम, और मेरी वुमेन लाइफ, नीलम होकर, जब वुमेन होकर आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो फीलिंग कुछ और ही होगी। पता नहीं सोसाइटी ऐसा क्यों समझती है, बट फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। ये सक्सेस बहुत प्लीजेंट लगेगी आपको। तो नीलम, चीजें कैसे चेंज हो गई आपके साथ? मतलब सिलेक्शन के एक पहले वाला दौर होगा और एक दौर सिलेक्शन के बाद वाला होगा, तो कुछ चेंजेस बताओगे जो चेंजेस आए सिलेक्ट होने के बाद? ऑफ कोर्स सर, बहुत सारे चेंजेस हैं। आप डे टू डे लाइफ में ही फील करोगे कि सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। आप सोसाइटी का अप्रोच अपने लिए बदला हुआ देखोगे, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स का भी। वो भी आपको एज अ गर्ल से ज्यादा एक बैंक के ऑफिसर की तरह ही डील कर रहे हैं। उनके लिए भी चीजें बदल गई हैं। आप हर जगह रिस्पेक्टफुल हो जाओगे। एक जॉब आपको सिर्फ फिक्स्ड इनकम नहीं देता, एक रिस्पेक्ट भी देता है सोसाइटी में। और वो रिस्पेक्ट मैं फील कर रही हूँ कि कैसे बदल रहा है सब कुछ धीरे धीरे, जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों का अप्रोच कि यार इतने लोगों के बीच में 5,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें आ रही है, तो बंदी में कुछ तो बात है, कुछ तो इसने किया है। यही है सब। तो सक्सेस नीलम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप इसके लिए वर्क करो, पर जब मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नीलम मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी इंस्पिरेशन की बातें जो है नहीं हो सकती हैं। आपने अपने जो आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो खुद बता दिए, और मुझे लगता है ये जो आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से सिलेक्शन जो है आपकी लाइफ चेंज कर देता है, और जो सोसाइटी में, जो फैमिली में आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो बढ़ जाती है। आपसे बात करी, आपने जो बातें बताई एस्पिरेंट्स को, वो बहुत हेल्प करेंगी, बहुत मोटिवेट करेंगी, और जो आपने अपने सीक्रेट शेयर करे उससे सभी स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी। तो नीलम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। स्टडी आईक्यू से बहुत सारा कुछ सीखने मिला है। ऑलवेज थैंकफुल फॉर द टीम। आप और लोगों ने नीलम, इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराया है। चलिए नीलम, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम लोगों के ऊपर कि जब लोग इतना ट्रस्ट करते हैं तो उनको बेस्ट दिया जाए, और हमारी तरफ से यही आशा है कि जो रिस्पेक्ट और जो सक्सेस आपको लाइफ में अभी मिल रही है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जाए। थैंक यू सर। तो साथियों, ये थी हमारे साथ झारखंड से नीलम जी, जिन्होंने बैंक के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटजीज बताई, अपनी बातें बताई। इस एपिसोड में आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।